Welcome friends on my YouTube channel Eternal Biology. तो जैसा कि मेरा पिछला लेक्चर था NCERT lines of the chapter living worlds, तो आज यहाँ पर हम biological classification, जी हाँ तमाम lengthiest chapter in biology for NEET, तो उसके लिए हम बहुत ही short में important topics cover करने वाले हैं आज के session में. तो मेरा नाम है गौरव शर्मा, MBBS फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट फ्रॉम GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर. चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो इसे हमें कवर करने के लिए स्मार्ट वे में अप्रोच रखनी होगी. तो वो स्मार्टर वे विथ सम ट्रिक्स एंड सम फैक्ट्स वी हैव टू लर्न, तो उन्हीं को आज मेरे लेक्चर में आप देखिए. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मैं पूरे नीट की सीरीज लेके आऊँगा आपके सामने. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. तो जितने भी लिविंग बींग्स हमारे इस पूरे वर्ल्ड में हैं, ते में भी प्लांट्स, एनिमल और अदर क्लासीफाइड, तो उन सबको हमने क्लासीफाई कैसे किया, उनका वर्गीकरण, उनको उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर किन ग्रुप्स में बांटा गया, वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. तो अब सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन के सिस्टम, कि किन किन लोगों ने इसको क्लासिफाई करने का सोचा, उनके तरीके क्या थे. तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर अपने इनिशियल पेज पर ही सबसे पहला लिखा है कि एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. जी हाँ, तो हमारा पहला पॉइंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. एक साइंटिफिक अप्रोच रखी सबसे पहले किसने, एरिस्टोटल ने. और फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो हमें याद क्या रखना है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बाहर के कैरेक्टरिस्टिक जो हमें दिखे किसी ऑर्गेनिज्म के, वो कैरेक्टर्स जो हम हमारी नेकेड आई से देख सकें, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है. तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वॉज यूज बाय एरिस्टोटल टू क्लासीफाई प्लांट्स. अब उन्होंने प्लांट्स को किन किन कैटेगरीज में कन्वर्ट किया, प्लांट्स अब मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से दिखें, तो बाहर से जो सबसे छोटे दिखेंगे उन्हें क्या बोल दिया उसने, हर्ब्स. मीडियम लेंथ के दिखे उन्हें क्या बोल दिया, श्रब्स. और जो बड़ी लेंथ के दिखे, जो थिक थे स्टेम में, लीव्स वगैरह, फ्लावर्स आने लगे जिनमें फल आने लगे, उनको उसने नाम दे दिया ट्रीज. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया एरिस्टोटल ने, और उसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में. वहीं एनिमल्स को उसने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, और एब्सेंस ऑफ RBC. जिनमें RBC प्रेजेंट थी उन्हें बोल दिया इनएमा, और जिनमें एब्सेंट थी इनएमा, हम बोलते हैं अनीमिया, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ RBC, सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनएमा. पर ठीक है, तो याद रहेगा. चलिए, ये हमारा एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन हो गई सबसे पहले, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. उसके बाद आया लिनस, कार्ल लिनस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम.
लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया एक तो प्लांटे में और दूसरा एनिमेलिया में। ठीक है, अब इनमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत जो आई वो थी, यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कि ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब इन्होंने डिस्टिंग्विश किस किस को नहीं किया? फ्रॉम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट एंड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको वो डिवाइड नहीं किया उन्होंने। उन्होंने इन अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक साथ रख दिया, सो इट वॉज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों को साथ में रख दिया, ये कैसे? ये देखिए हम, तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, जो लीनियस के क्लासिफिकेशन थे, दे इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट किंगडम, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स। उन्होंने प्लांटे में इन सब को क्यों रखा? आई विल रिपीट कि लीनियस के जो प्लांट किंगडम था उसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए, बैक्टीरिया हमारा है प्रोकैरियोट्स, और ये सब है यूकैरियोट्स। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में रख दिया, यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ रख दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गे को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स आई थी। अब बात करते हैं हम थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय R.H. Whitaker। इट वॉज गिवन इन 1969, ये हमें याद रखना है। और इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किए थे वो इम्पोर्टेंट है, तो इनके क्राइटेरिया कौन कौन से थे? सेल का स्ट्रक्चर, फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस बॉडी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक। फिर तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट आइदर इट इज ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। फोर्थ वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, एंड द फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशन। कल के लेक्चर में हमने बात की थी फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनी होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो ये पांच क्राइटेरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं हमारी इम्पोर्टेंट टेबल की। ये हो चुका हमारा, इसके बाद ये आ जाती है हमारी इम्पोर्टेंट टेबल, दैट इज टेबल नंबर 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे को इसकी फोटो यहीं पर आपके सामने लगानी पड़ी है, और हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए, सेल टाइप कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये वाइटेकर के अनुसार हैं। सेल टाइप, ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, मोनेरा के अलावा सब यूकैरियोट्स हैं। सो मोनेरा इज प्रोकैरियोट, मोनेरा इटसेल्फ इज प्रोकैरियोट, ठीक है। याद यही रखता है कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरा, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। जी हाँ, ये पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना है। एक सेकेंड, ये पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना है। मोनेरा के अंदर आरके बैक्टीरिया होगा और यू बैक्टीरिया होगा। जैसे मोनेरा के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे, आरके बैक्टीरिया होगा और यू बैक्टीरिया होगा। तो आरके बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, वो होती है स्यूडोमोरिन की, स्यूडोमोरिन की होती है, और यूकैरियोट्स की होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये रिजिड होती है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट इन सम फंगाई में काइटिन की होती है, प्लांट में सेलुलोज होता है। तो ये हमें याद रखना है कि द फंगल सेल वॉल, द फंगल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन, व्हाइल दोज ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ग्रीन कलर इस प्लांट का है तो मैंने ग्रीन से लिखा है, ठीक है। फंगल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन व्हाइल ऑफ प्लांट इट कंटेन्स सेल्यूलोज, एनिमल में एब्सेंट होती है, कोई बड़ी बात नहीं, आप सभी को पता है। चलिए उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड प्रेजेंट इन ऑल अदर किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, फंगाई में मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू, ये इम्पोर्टेंट है। और प्लांट में टिश्यू या फिर ऑर्गन, नो ऑर्गन सिस्टम,
और एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। तो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू काय में, फंगस में और प्लांट में टिश्यू या फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम नहीं। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट होते हैं। तो आगे हम मोनेरा में पढ़ने वाले हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, टी शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उनका मेटाबॉलिज्म में डाइवर्स है तभी तो इतने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें। ठीक है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटरोट्रॉप दोनों होते हैं। ठीक है, फंगस हेटरोट्रॉप होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप, और ये होलोजोइक वर्ड याद रखना है। होलोजोइक का मतलब होता है दे टेक फूड बाय माउथ इंजेशन, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इंजेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं मोनेरा के बारे में। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनेरा। मोनेरा, ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में नहीं है पर ये वेरी इम्पोर्टेंट है। मोनेरा को हम बोलते हैं माय छोटा, और वहीं पर जो हमारी फंगस होती है उसको बोलते हैं माय कोटा। ठीक है, ये माय कोटा एंड माय छोटा, ऐसे याद रखिए, माय छोटा मोनेरा, मेरा छोटा मोनेरा। मोनेरा में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब ऐसे बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा मोनेरा है, माय छोटा मोनेरा। तो यहाँ हम लिख देते हैं माय छोटा मोनेरा, माय छोटा मोनेरा। चलिए फिर से आप बात कर लेते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा को हमने तीन सब डिविजन्स में बांट के रखा है, दैट इज आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज माइकोप्लाज्मा। क्या बोला मैंने, आर्किबैक्टीरिया, देखिए मोनेरा आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्किबैक्टीरिया फिर से तीन में डिवाइडेड है, किस किस में, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स में, है ना। यूकैरियोट्स किस में डिवाइडेड है, जो यू बैक्टीरिया किस किस में डिवाइडेड है, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। माइकोप्लाज्मा अपनी अलग ही सिस्टम है, एक खुद डिवाइडेड नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया की। आर्किबैक्टीरिया में जैसा हमने बोला कि सबसे पहली बात ये यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, दे हैव स्यूडोमोरिन इन देयर सेल वॉल। क्या है, स्यूडोमोरिन इन सेल वॉल। दूसरी चीज क्या है, दे हैव इंट्रॉन्स इन देयर जेनेटिक सीक्वेंस। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग
डीएनए सीक्वेंसेस। तो प्रेजेंट ऑफ इंट्रॉन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड इंट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। तो इट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड ह्यूमन, ठीक है, दोनों में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरा कि दे हैव मोनो लेयर ऑफ लिपिड, मोनो लेयर ऑफ लिपिड डिक्रीजेस फ्लूइडिटी, मोनो लेयर ऑफ लिपिड डिक्रीजेस फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी को कम कर देता है जिसकी वजह से ये हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब आर्के बैक्टीरिया के तीन टाइप्स हैं, मेथेनोजन सबसे पहले, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजन से हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, और ये दोनों हैं हमारे हेटरोट्रॉफ। मेथेनोजन्स हैं ऑब्लिगेट एनएरोब, और ये दोनों हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। ठीक है, these are present in gut of ruminants like cow and buffalo, ठीक है, present in gut, present in salty areas like brine, brine word याद रखिएगा, ठीक है। एंड द थर्मोएसिडोफिल्स आर प्रेजेंट इन थर्मल स्प्रिंग, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है। मिथेनोजन के एग्जांपल्स मिथेनोकोकस, हेलोफाइल्स के हेलोप्रोटियस, थर्मोएसिडोफाइल्स के थर्मोकोकस थर्मोप्रोटियस, ठीक है। हेलोफाइल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो हमारे हेलोफाइल्स हैं, हेलोफाइल्स और पीजीए इट लैक सैप एंड गैस वैक्यूल, सो it do not show plasmolysis, PGA also lack sap vacuole but shows plasmolysis, this is important। हेलोफाइल में सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल एब्सेंट होता है तो ये प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करता। लैक सैप एंड गैस वैक्यूल्स बट बीजे लैक सैप वैक्यूल बट शोज प्लाज्मोलाइसिस, ओके, दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आर्के बैक्टीरिया हो गया हमारा, अब आ जाते हैं हम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफ जो हमने बात करी थी, फोटो ऑटोट्रॉफ वो कौन होते हैं, बीजीए, इनमें होता है क्लोरोफिल ए और ये कॉज करते हैं एल्गल ब्लूम जो वेरियस पॉन्ड्स में ग्रीनिश कलर
की जो चिकनाहट दिखती है सीढ़ियों पर, तो वो इन्हीं की वजह से होती है, एल्गा की वजह से। ये ज़्यादा हो जाती हैं तो ये सारा ऑक्सीजन ले लेती हैं, तो इस वजह से जो मराइन फौना है, फिशेज हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसमें एक तो एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक, ये दोनों फ्री लिविंग, मतलब किसी कोई सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है। तो एरोबिक में आते हैं हमारे एजिटोबैक्टर, पेजरिंकिया एंड क्लेब्सियला। इसकी ट्रिक है ABK, एरोबिक ABK, एजिटोबैक्टर, पेजरिंकिया एंड क्लेब्सियला। और एनएरोबिक फ्री लिविंग है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होती कहाँ पर है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज हेटरोसिस्ट। अब हेटरोसिस्ट जो है, हेटरोसिस्ट के बारे में हम एक बात जान लें कि हेटरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होगा, यू बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट हो सकता है, और ये जो होता है वो फैकल्टेटिव एनएरोब होता है। यानी फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब होता है कि जनरल कंडीशंस में, अंदर नॉर्मल कंडीशन, इट एक्ट एज एरोब, रेस्पायर अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। बट इफ कंडीशंस आर एनएरोबिक देन इट विल स्विच ऑफ टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अगर परिस्थितियाँ एनएरोबिक हो जाती हैं तो ये उन एनएरोबिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और एनएरोबिक भी रेस्पायर कर सकता है। सो इट इज़ फैकल्टेटिव एनएरोब। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें एनएरोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती है, तो हेटरोसिस्ट के अंदर एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। दूसरी बात है, इट इज़ बैरल शेप, इट इज बैरल शेप्ड। लेट्स हैव अ लुक, सी दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। दिस इज माई पर्सनल एनसीईआरटी। सो हियर यू कैन सी द बैरल शेप्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट which is a facultative anaerobe pear shape, and it can also germinate in special conditions। ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। और ये म्यूसिलेज सीथ है, और जो साइड में लिखा है मराइन ब्लू ग्रीन एल्की डेट इज ट्राइकोडेस्मे मेरेथ्रम डेट कॉजेज रेड सी, आई विल डिस्कस इट लेट्स ऑन। ठीक है, तो इट इज़ अ डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक विच इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गे हैविंग हेट्रोसिस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के पास। इधर ही लिख देता हूँ मैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये मेजरली होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जिन्हें हम सेपरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड दीज आर मोस्ट अबंडेंट। खास बात यह है कि दीज आर मोस्ट अबंडेंट
दीज आर मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, जो बैक्टीरिया हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं माइकोप्लाज्मा पर। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? अब देखिए, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ओके, एंड दे आर नॉन मोटाइल and these are the smallest living cells known. Which can survive without oxygen. Okay. So, the key features are completely lack cell wall, non-motile, smallest living cell which can survive without oxygen. अब because they lack cell wall, so they do not have any effect on of penicillin over them. Mycoplasma पर penicillin का कोई effect नहीं होता, क्योंकि जो penicillin होती है, penicillin ये क्या करती है, bacterial cell wall को तोड़ के उसका lysis करवा देती है। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है, तो लाइसिस किसी चीज़ का नहीं होगा। जब लाइसिस ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, तो इस वजह से पेनिसिलिन हैज नो इफेक्ट ओवर माइकोप्लाज्मा। और वहीं अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दी तो इट विल वर्क। चलिए, अब माइकोप्लाज्मा के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा को पहला बोलते हैं मॉलिक्यूट, दूसरा बोलते हैं फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस, तीसरा बोलते हैं इसको हम प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज PPLO. Fourth, Jocus of plant kingdom. ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए। चलिए, तो हमारा माइकोप्लाज्मा हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट लाइंस की अबाउट किंगडम मोनेरा और बैक्टीरिया विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। तो पहला लाइन है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। और वहीं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर गिवन इन 12th स्टैंडर्ड, उधर एक स्टेटमेंट है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हैज मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो कर्ड के साथ मिलियन आया है, बैक्टीरिया हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल, इसका एच, इसका एच, ये ट्रिक हो गई।
ये कंफ्यूजन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ओके, एंड यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड दिस रिजिडिटी इज ड्यू टू पेप्टिडो ग्लाइकन प्रेजेंट इन देम। ओके, सो नाउ we have a slide showing different shapes of bacteria. So here the four commonly present bacteria are cocci, bacilli, spirella and vibrio. Cocci methanococcus, streptococcus, so these are circular in shape. And the thing to remember about the cocci that flagella is absent. Yes, flagella is absent in cocci. Cocci में flagella absent होता है और bacilli में ये जो spore दे रखा है, ये जो spore दे रखा है, this spore is endospore. This spore is endospore. Endospore, spirella have flagellum and vibrio, these are comma shaped, vibrio coli, so these are comma shaped. चलिए हमारा मोनरा किंटा खत्म। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। Before we look into this slide, now we start kingdom protista. Kingdom protista, अब देखिए kingdom protista में आते हैं हमारे unicellular eukaryotes. So first point is unicellular eukaryotes. सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। एक बात और एनसीईआरटी ने लिखी है कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। इसको समझाते हुए इसने नीचे लिखा है कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट, स्टाइनोफ्लैजेलेट, यूक्लेनॉइड, स्लाइमर्स एंड प्रोटोजोअन अंडर प्रोटिस्टा। इस तो इसका मतलब ये है कि प्रोटिस्टा के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एकोमोडेटेड। तो इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं। तो अगर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए एनिमेलिया, दूसरा प्लांटे, तीसरा मोनेरा या चौथा प्रोटिस्टा। तो आंसर हमारा प्रोटिस्टा होगा। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं दिया जाता तो उसके बाद हमारा आंसर मोनेरा होगा, बट द प्रायोरिटी इज गिवन टू प्रोटिस्टा। मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज इट इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ organisms and their species. The next point about protista is it forms link with plant, animal and fungi.
link between plant, animal and fungi. तब प्लांट का क्या कैरेक्टर है इसमें? प्लांट का कैरेक्टर है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं उसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड स्पोर्स. एनिमल कैरेक्टर क्या है इसका? प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल. प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल और फंगस का कैरेक्टर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है. एनिमल कैरेक्टर प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. चलिए अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्पोर क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है. तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं इनमें डिफरेंस. तो हम यहीं पर इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं. चलिए होता क्या है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सूटेबल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशन में सेल्युलर एग्रीगेशन बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम. देयरफॉर प्लाज्मोडियम इन फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनाया इन द फेवरेबल कंडीशन जो कि ग्रो करता रहेगा. ठीक है. अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आए, अनफेवरेबल कंडीशन के आते ही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो गया फ्रूटिंग बॉडीज में. प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कन्वर्ट हो गया फ्रूटिंग बॉडीज में. अब इन जो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं इनकी टिप्स पर स्पोर्स होते हैं. हैव स्पोर्स एट देयर टिप. उनके टिप पर स्पोर्स होते हैं. ठीक है. अब दे स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स. द प्लाज्मोडियम इज विदाउट सेल वॉल एंड द फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. सो दिस इज एनिमल कैरेक्टर, दिस इज फंगस कैरेक्टर एंड दिस इज प्लांट कैरेक्टर. इज इट क्लियर? चलिए. और फिर ये जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं और एयर के थ्रू ये सब डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर ये आगे कंटिन्यू दूसरा प्रोटिस्ट को जन्म दे देते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? चल इसके बाद प्रोटिस्ट के बारे में है. मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वाटिक. इट्स मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वाटिक. अब प्रोटिस्टा में जो पहली क्लासिफिकेशन आती है वो है क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेसमिट्स. दिट इज गोल्डन एल्गा. डायटम्स एंड डेसमिट्स.
उसके बाद ये डायटोमेशियस अर्थ बनाती है जिसे हम कीजल गुहर कहते हैं। जो डायटम्स होते हैं इनकी सेल वॉल सिलिका की होती है, ठीक है, और ये इसको हम फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। फ्रस्ट्यूल को ही हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, इसको ही हम कीजल कोर बोलते हैं, कीजल कोर बोलते हैं। ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। तो जो हमारा कीजल कोर होता है, इट इज आर फ्रस्ट्यूल, फ्रस्ट्यूल इट इज ग्रिटी, एनसीईआरटी के एक्सेक्ट वर्ड्स, इट इज ग्रिटी एंड यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। उसके बाद जो क्रायसोफाइट्स होते हैं दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, फ्लोट पैसिवली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैसिवली। और जो एक्टिव जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, और फ्लोट पैसिवली, पैसिव मूवमेंट इसमें सीलिया की यूज नहीं होती है, ये वाटर करंट के साथ जहाँ जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो इट इज़ अ पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय क्रायसोफाइट्स, दैट इज डायटम्स। दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ठीक, एंड दीज आर प्रेजेंट इन बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। चलिए अब बात कर देते हैं फटाफट डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा आज पढ़ना है। डायनोफ्लैजेलेट्स, दीज आर मोस्टली मराइन, मोस्टली मराइन, एंड दे हैव हेट्रोकोंट फ्लैजेला, ठीक है, दे हैव हेट्रोकोंट फ्लैजेला, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स। हेट्रोकोंट फ्लैजेला, हेट्रोकोंट फ्लैजेला मीन्स डिफरेंट लेंथ, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये इतना ही है, तो दीज आर हेट्रोकोंट फ्लैजेला, ठीक है, हेट्रोकोंट फ्लैजेला। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इस बार एम्स भी शायद मर्ज हो गया है, तो ये इस तरह ना पूछ के हेट्रोकोंट फ्लैजेला को हेट्रोकोंट फ्लैजेला को स्ट्रेमिनोपाइल्स कह के पूछ ले, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेमिनोपाइल्स। हेट्रोकोंट फ्लैजेला को स्ट्रेमिनोपाइल्स भी पूछ सकता है, ठीक है, और आइसोकोंट क्या हुआ, इक्वल लेंथ का। तो अब हेट्रोकोंट, आइसोकोंट, हेट्रोकोंट एक तो हो गया डायनोफ्लैजेलेट्स पे, दूसरा हो जाता है ये थियोफाइसी में, थियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गा, और आइसोकोंट होता है क्लोरोफाइसी में, दैट इज ग्रीन एल्गा, क्लोरो, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
मैं आपको जो जो फैक्ट बता रहा हूँ बस वो फैक्ट याद रखिए आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत याद रखने का है, तो इसमें खास खास पॉइंट्स ही आप याद रखिए। थोड़ा थोड़ा करके भी ये चैप्टर लेंथी खिंच जाता है, कर कुछ नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट्स में बात आती है हमारे किसकी, कि दे हैव अ टॉक्सिन विच इज नोन एज सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन इट कॉजेज पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, शेल फिश पॉइजनिंग दैट इज PSP, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कुछ मेंबर्स जैसे कोनी ओलेक्स एंड चिम्नोडीनियम दिस कॉज रेड टाइड कोनी ओलेक्स एंड चिम्नोडीनियम कॉज रेड टाइड। अब हमने रेड सी सुना है, अब हमें रेड टाइट सुन ली, रेड टाइट को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। रेड सी इज कॉज्ड बाय एन एल्गा विच इज नोन एज ट्राइकोटेस्मियम एरिथ्रियम। रेड सी वी नो कॉज्ड बाय कॉर्नियोलेक्स एंड चिम्नोडीनियम। चलिए उसके बाद आते हैं हम यूक्लिन, आते हैं यूक्लिनॉइड्स, या अब हमने डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ लिया है, तो हम एक बार इनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। सो हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स। देखिए द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स इज डायटम्स आर डिप्लॉयड व्हाइल डायनोफ्लैजेलेट्स आर हैप्लॉयड। एक्सेप्शन इज गिवन नॉक्टिल्यूका इन डायनोफ्लैजेलेट्स विच इज डिप्लॉयड नॉक्टिल्यूका। ओके, डायटम्स बिलोंग्स टू क्लास बेसी लेरियोफाइसी एंड डिवीजन क्राइसोफाइटा व्हाइल डायनोफ्लैजेलेट्स बिलोंग टू क्लास डायनोफाइसी एंड डिवीजन पायरोफाइटा। ओके फ्रेंड्स, सेल वॉल सेल्युलोज एंड सिलिका नोन एज फ्रस्ट्यूल, ये याद रखिएगा फ्रस्ट्यूल, एंड सेल वॉल इन डायनोफ्लैजेलेट्स इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टिन विच इज नोन एज थीका और लॉरिका। दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इफ यू लाइक टू रिमेंबर देन जस्ट रिमेंबर। नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डायटम्स लैक फ्लैजेला एंड लैक एंड फ्लोट पैसिवली ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लैजेला आर प्रेजेंट एंड इज नोन एज हेट्रोकॉन्ट वर्लिंग वेव्स 90 डिग्री टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऐसे। सो दैट इज वर्लिंग वेव्स। द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन डायनोफ्लैजेलेट इज दिस, डायनोफ्लैजेलेट्स हैव पिस्यूल, पुस्कुल दैट इज नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड फ्लोटिंग।
Fusel is important in dinoflagellates. This non-contactile vacuole help in osmoregulation and flotation. Okay, so this is important difference between diatoms and dinoflagellates. Most important one is diatoms are diploid while dinoflagellates are haploid. ये बहुत important difference है, ठीक है? फिर आप इसकी class और division याद रखिए कि class diatoms की BC lineophysi और ये डायटम्स की डायनोफाइसी और डिवीजन डायटम्स का क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजेलेट्स का पायरोफाइटा. फिर हम फ्रस्टुल याद रखना है, थीका लोरिका याद रखना है. लैक ऑफ फ्लैजेला इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायटम और प्रेजेंस ऑफ फिसूल दैट इज नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स. चलिए अब बात करते हैं यूक्लिनॉइड्स की. Euglenoids. Euglena are mostly fresh water. Mostly fresh water. हमने dinoflagellates में क्या पढ़ा था कि they are mostly marine. और यूग्लेना क्या है? मोस्टली फ्रेश वाटर एंड दैट इज टू स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? जो ठहरा हुआ है, जैसे कुएं में पानी, कुएं का पानी ठहरा हुआ होता है, पॉन्ड का पानी ठहरा हुआ है, जो मूवमेंट नहीं करता, जो फ्लो नहीं करता, जो बहता नहीं है, वो स्टैग्नेंट है. स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में हमें यूग्लेना मोस्टली प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है. यूग्लेना लैक सेल वॉल and have protein pellicle layer. Protein pellicle layer. इनमें भी heterocont flagella होता है. और the important point about Euglena. कि Euglena आर फोटोसिंथेटिक प्रेडेटर. फोटोसिंथेटिक प्रेडेटर इसका क्या मतलब है कि जब तक यूग्लेना को लाइट मिलती रहेगी, जब तक यूग्लेना की लाइट, जब यूग्लेना को लाइट अवेलेबल रहेगी, तब तक वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेगा. लेकिन व्हेन इट इज डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, जब इसको लाइट हम नहीं देते, तब ये क्या करती है? इट एक्ट एज अ प्रेडेटर और तब ये हेटरोट्रॉप बन जाती है. जब लाइट मिल रही है तब वो है ऑटोट्रॉप और जब लाइट नहीं दे रहा है तब वो बन जाती है हेटरोट्रॉप. सो इट हैज डुअल mode of nutrition, that is autotroph as well as heterotroph. That is why it is known as photosynthetic predator. What is I am calling photosynthetic predator? Is this clear? Okay. Now the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants. इस statement को हम ऐसे समझ लें प्लांट ब्लू ग्रीन एल्गे एंड यूग्लेना ऑल थ्री हैव क्लोरोफिल ए. ब्लू ग्रीन एल्गे एंड यूग्लेना लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हम फटाफट से कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स.
साइमोस दीज आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. अब वर्ड आ गया हमारा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट विच कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, और जैसा कि हमने प्लाज्मोडियम फ्लोटिंग बॉडीज की बात करी थी तो वही कंडीशन इनमें आती है कि सूटेबल कंडीशन में दे फॉर्म प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एंड एक्टिव्स एंड दिस स्पोर्स गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. उसके बाद आते हैं हम प्रोटोजोन्स पर. Protozoans. I'm writing protozoans. Protozoans. Protozoans के बारे में important NCERT line है वो है कि all protozoans are heterotrophs. Are heterotrophs and live as predator or parasite. Or parasite. All are heterotroph and live as predator or parasite. आई नो फ्रेंड्स कि ये पोर कर रहा होगा थोड़ा बहुत, बट नीट के सिलेक्शन के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस चैप्टर में है क्या फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली आई एम गिविंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग प्लस 4 मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो प्रोटोजोन्स फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मीन्स एंटमीबा अमीबा. ओके, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स विच इंक्लूड ट्रिप्नोसोमा विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस. सो रिमेंबर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. The example is Trypanosoma, the trick is FT. Akash mein fortnightly test series hoti thi, fortnightly test series tha, FT, flagellated Trypanosoma. Next one is ciliated. Ciliated are paramecium and the important line is these are aquatic actively moving organisms. Ciliated. These are aquatic, actively moving. मैंने active का मतलब बताया था with the help of cilia. तो ये ciliated के लिए बात आ गई. Aquatic and actively movement. Okay. They have a cavity called gullet. Gullet is the cavity. It opens to the outside of the cell surface. ठीक है, और जो बाहर का जो फूड होता है वो अंदर आ जाता है गुलेट के थ्रू. नेक्स्ट वन इज स्पोरोजोन.
पोरोसन। स्पोरोजोन, स्पोरोजोन में एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम का, बिकॉज दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन में जो स्पोर है, स्पोर स्टेज, दैट इज इन्फेक्शियस। एग्जांपल इज पैरामीशियम, इट इज द मोस्ट नोटोरियस, मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। ओके, सो द एंड ऑफ प्रोटोजोअन, द किंगडम प्रोटिस्टा इज कंप्लीटेड। लेट्स हैव अ लुक This is the diagram given in new NCERT. Earlier only Euclena and Paramecium were given, but now two additional diagrams have been included in this. One is of dinoflagellate. This is a dinoflagellate, and C1 is slime mold. Slime mold and dinoflagellate. ठीक है, तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखने हैं, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोल्ड। चलिए अब हम बात करते हैं किंगडम फंगाई की। किंगडम फंगाई में हमें बस ये चार्ट ध्यान रखना है और कुछ एडिशनल बात। तो हम सबसे पहले कुछ एडिशनल बातें याद रख लेते हैं, उसके बाद हम इस टेबल पर आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फंगाई की। फंगाई, सबसे पहले द फंगाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। लेकिन ये बस समझाने के लिए ही था, ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। इम्पोर्टेंट लाइन कौन कौन सी हैं कि सबसे पहला दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स। सो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ओके, फंगाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट which is unicellular, yeast unicellular है, yeast unicellular है, बाकी सारे filamentous या multicellular है। अब यहाँ पर बात आ जाती है mycelium और hypha की। तो देखिए ये है, ठीक, ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हाइफा, और इन तीनों के ग्रुप को बोलेंगे माइसीलियम। अगर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इनको बोल देंगे सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर ये एक दूसरे से अलग है तो इन्हें बोलेंगे नॉन सिनोसिटिक। ठीक, जैसे
तो अब साइटोप्लाज्म का कनेक्टेड है आपस में, तो ये हो गया हमारा सिनोसिटिक। वहीं ये सेप्टल वॉल है, ये हो गया नॉन सिनोसिटिक। सिनोसिटिक हाइफा इज प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं, सिनोसिटिक को मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है जी, उसके बाद एक लाइन फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। Where reduction division occur, that is meiosis. Meiosis. So in fungi, the fruiting bodies are the site of meiosis. बात देखिए, हम भी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आई एम स्टडिंग माई MBBS एज वेल एज टीचिंग यू, इट इज माई पैशन। ओके, तो पढ़ाई को अपना पैशन बनाइए। क्या मैं नीट निकाल ली है, तब हो पाएगा। ठीक है, अभी ये मत सोचिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लगातार मेहनत करते हैं। कंटिन्यूटी, टेक्निकल टेम्परामेंट दोनों होना चाहिए सक्सेस के लिए। टेक्निक एंड टेम्परामेंट, धैर्य। टेक्निक मैं बता ही रहा हूँ, टेम्परामेंट आप डेवलप करिए। ओके, चलिए। सो the next point about the fungi, that they have karyocoriasis type of mitosis. Karyocoriasis type of mitosis is the mitosis with intercellular spindle formation and they have unicisternal Golgi body. ये याद रखना है, ठीक है। अब किंगडम फंगाई को किन किन के बेसिस पर डिवाइड किया, तो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंड फ्रूटिंग बॉडीज। इन तीनों के बेसिस पर किंगडम फंगाई को डिवाइड किया गया है इनटू फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पीसीडीओ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज are obligate parasite on plants.
obligate parasite on plant. They have aseptate and cenocytic mycelium. In them, the asexual reproduction is by zoospores and aplanospores produced exogenously. इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज आइदर बाय जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर. प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, it is inside the sporangium. And by zygospore. And this spore is diploid. जो diploid होता है. इसके एग्जांपल्स आपको पता ही है, म्यूकर आया सब पास है, एल्बिगो कैंडिडा कॉज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ऑन मस्टर्ड. ट्राइकोमाइसिटी इज ओवर. नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटी. दीज आर नोन एज सेक फंगाई. मुझे ख्याल से वो टेबल निकाल लेनी चाहिए. चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या देख लिया, टाइप ऑफ माइसीलियम मल्टी न्यूक्लियेट एसेप्टेड सिलोजेटिक फाइकोमाइसिटीज में. कंटेंट ऑफ फाइका बॉर्डर स्ट्रक्चर प्रेजेंट जूस्पोर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स एंड कोनिडिया. कोनिडिया इज नॉन मोटाइल, दैट इज ए प्लेनोस्पोर. स्पेशल फीचर इज नथिंग गिवन, आई हैव रिटन इट हियर. तो दो डिप्लॉयड स्पोर होते हैं, एक तो ओ स्पोर और दूसरा जाइगो स्पोर. दोनों डिप्लॉयड स्पोर हैं. कैरेक्टरिस्टिक इन फाइकोमाइसिटीज. एक चीज और हमें जाइगोमाइसिटीज जो कॉन्जुगेशन फंगाई है, जो कि फाइकोमाइसिटीज का ही एक सब पार्ट है, उसमें हमें ये देखना है सिनोगैमेट्स. सिनोगैमेट्स, सिनोगैमेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोमाइसिटीज. जी हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सिनोगैमेट्स आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोमाइसिटीज. बाकी आप याद रखें ना रखें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिनोगैमेट्स याद रखना है. उसके बाद हम एस्कोमाइसिटीज पर आ चुके हैं. तो एस्कोमाइसिटीज के लिए एक बात है कि दे मे बी कॉप्रोफिलस. दे मे बी कॉप्रोफिलस. कॉप्रोफिलस, इट इज गोइंग ऑन डंग. आप ये एनसीईआरटी में देखेंगे आपको मिल जाएंगे, है ना. तो मैं तो आपको बस ये गाइड कराऊँ क्या इंपॉर्टेंट है. देन मे बी कॉप्रोफिलस एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में आप हम फिर इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है. देखिए आप, हमें ये याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज के अलावा सब इस सब में सेप्टेट हाइफा हैं, ठीक है. मोटर स्ट्रक्चर सब में एब्सेंट है एक्सेप्ट इन फाइकोमाइसिटीज दैट आर जूस्पोर्स, ठीक है. तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, इन सब के स्पेशल फीचर्स, सिनोगैमेट्स, स्यूडोमाइसिलियम, डाइकैरियोफेज, एस्कोकार्प, ठीक है. फिर बेसिडियोमाइसिटीज में हमें क्या याद रखना है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, डोलीपोर सेप्टा, ठीक है.
ठीक है, ये हमें याद रखना है। इस चार्ट को आप याद रख लीजिए और जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर एस्कोमाइसिस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, देखिए ड्रग्स जो हमारे एंटीबायोटिक है पेनिसिलम, तो पेनिसिलियम उसका एग्जांपल है। आप ये बात सुन सकते हैं कि जो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाली गई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी, और आई विल रिपीट कि जो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाली थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली थी, और आज जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है पेनिसिलिन का वो होता है पेनिसिलम क्राइसोजिनम से। भाई आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो पेनिसिलम भी रो रहा है, क्राई कर रहा है, तो पेनिसिलम क्राइसोजिनम इज यूज इन मॉडर्न डेज। और जो सबसे पहला पेनिसिलिन निकाली गई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी। चलिए उसके बाद यीस्ट इसका एग्जांपल है, जो यूनिसेलुलर एकमात्र फंगाई है, इसको सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। फिर हमारा एस्परजिलस जो मशरूम है, फिर क्लेविसेप्स परफ्यूरा, उसके बाद न्यूरोस्पोरा, जी हाँ न्यूरोस्पोरा, 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 इट इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंग, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये ध्यान रखना है। ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स में जो एनिमल मोस्ट वाइडली यूज हुआ है वो है ड्रोसोफिला। तो जेनेटिक्स की स्टडी के लिए जो प्लांट सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वो है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम और क्या बोलते हैं, पिंक मोल्ड, क्या बोलते हैं, पिंक मोल्ड, पिंक मोल्ड, ठीक है। फिर जो मोरल्स एंड ट्रफल्स हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज, पेरिशेटीज हैं, स्वादयुक्त भोजन। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे, तो बेसिडियोमाइसिटीज में हम वो चार्ट देख लेंगे। उसके अलावा जो हमें याद रखना है वो है इनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल कौन कौन सा है हमारा, मशरूम, कि एस्परजिलस मशरूम नहीं होता, एगेरिकस मशरूम होता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में पहला है एगेरिकस, दैट इज मशरूम, दूसरा ब्रैकेट फंगाई, यहाँ एनसीईआरटी ने ब्रैकेट फंगाई लिखा है, तो ब्रैकेट फंगाई होती है हमारी पॉलीपोरस स्पीसीज, पॉलीपोरस स्पीसीज। तीसरा उसने दिया है पफपॉल, दैट इज लाइकोपर्डोन, लाइकोपर्डोन। उसके बाद हम सब जानते ही हैं रस्ट एंड स्मट, देखिए रस्ट को पक्षीनिया बोलते हैं, तो आर पी सिंह हमारा क्रिकेटर हुआ करते थे, तो आर पी रस्ट को पक्षीनिया बोलते हैं। और फिर जो हमारी स्मट आती है, स्मट को उस्टिलेगो बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रस्ट एंड स्मट, ठीक है। रस्ट एंड स्मट में बेसिडियोस्पोर नहीं बनता, ये इम्पोर्टेंट है, लैक बेसिडियो स्पोर एंड डोलीपोर सेप्टा, ये रस्ट एंड स्मट में अब्सेंट होता है। उसके बाद ये ट्यूट्रोमाइसिटीज,
चूँकि ये अल्टरनेरिया सोडनी, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये फंगाई इम्परफेक्टाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम प्लांट आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं, उसके बाद वायरस, वायरोसॉइड्स एंड लाइकेंस, इन पर भी हम देख लेते हैं फटाफट से। आइए, लेक्चर लेंथी हो जाता है तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। देखिए फटाफट से, पेसिडियोमायोसिटीज में हमने ये देख लिया सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, टोलीपोर सेप्टा, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ प्रेजेंट, क्रैम्प कनेक्शन। तो क्रैम्प कनेक्शन इज अ फीचर ऑफ पेसिडियोमायोसिटीज। फिर ड्यूट्रोमायोसिटीज, फंगाई इम्परफेक्टाई, देख लीजिए क्लैम कनेक्शन एब्सेंट, कॉल्ड आर्टिफिशियल फंगाई, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्क्लेरोशिया और राइजोमॉर्फ, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा, ठीक है। जो हाइफा हमारा जब डाइकैरियोटिक स्टेज में होता है तब उसका मॉडिफिकेशन होकर वो बना देता है स्क्लेरोशिया या राइजोमॉर्फ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें पहला डायग्राम है म्यूकर का, पहला डायग्राम म्यूकर फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्परजिलस बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसिटीज, एंड थर्ड वन इज एगेरिकस दैट इज पेसिडियोमाइसिटीज। एगेरिकस को हम गिल फंगाई भी बोलते हैं, याद रखिएगा गिल फंगाई, ठीक है। इसे क्लियर, ओके। अब मैंने ड्यूट्रोमायोसिटीज की बात करी थी तो हम इस चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि ड्यूट्रोमायोसिटीज फंगाई इम्परफेक्टाई है, और इसके जो चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने दे रखे हैं, कोलेटोट्राइकम, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजा, अल्टरनेरिया सोलेनियम, सर्कोस्पोरम, ओके। आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। हेलमिंथोस्पोरम ओराइजा के बारे में है कॉज बंगाल फेमान, बंगाल फेमाइन इसने कॉज किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हम फंगस हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम वायरस पे आ जाते हैं। तो देखिए वायरस के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहली चीज ये है कि वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, क्रिस्टल की तरह इनर्ट, नॉन रिएक्टिव आउटसाइड द लिविंग सेल्स। मतलब वायरस तब तक ही लिविंग है जब तक वो किसी होस्ट के अंदर है, जैसे ही वो किसी होस्ट के बाहर आ जाता है इट इज डेड, बिकॉज इट यूजेस द सेल्यूलर मैकेनिज्म ऑफ होस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, आइदर इट विल हैव आरएनए आइदर इट विल हैव डीएनए बट नो वायरस विल हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इट्स डीएनए और आरएनए, वो इन्फेक्शियस होता है। वायरस का डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है।
एक चीज और इम्पोर्टेंट, वायरस अफेक्टिंग प्लांट आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस अफेक्टिंग प्लांट आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज नोन एज सैटेलाइट आरएनए. वायरस अफेक्टिंग प्लांट आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दोज अफेक्टिंग एनिमल्स आर नॉट डबल स्ट्रैंडेड एनिमल्स आर नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी जो प्लांट को इफेक्ट करेंगे वायरस वो जनरली होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और एनिमल्स को जो इफेक्ट करेंगे वो हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होंगे, नहीं होंगे. ठीक है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है इट इज ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो वो बैक्टीरियोफेज इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, उसके बाद वायरॉट्स का आप पढ़ ही लीजिएगा, डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर इन 1971, इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड दे लैक प्रोटीन कोट. उसके बाद आते हैं हम प्रायोन्स पर. प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन, ये नई एनसीईआरटी का कंटेंट है. कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन, एंड द डिजीज कॉज इज BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफर्म एनसेफेलोपैथी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज. मैड काउ डिजीज एंड दिस मैड काउ डिजीज इज एनालॉगस टू चेकोव सिंड्रोम इन ह्यूमंस. ओके, चलिए एक बात हम वायरस के बारे में और डिस्कस कर लें कि जो इनर्ट वायरस होता है, डेट इज वायरस आउटसाइड इज होस्ट, इज टर्म्ड एज अ वायरन. इट इज इनर्ट वायरस. ओके, चलिए अब फटाफट हम प्लांट किंगडम के बारे में फटाफट से देख लेते हैं. प्लांट किंगडम हमारा जो प्लांट किंगडम है
उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम एक सेपरेट चैप्टर तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो है ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। दीज आर इंसेक्टिवोरस वाइल द कस्क्यूटा इज पैरासिटिक। कस्क्यूटा इज पैरासिटिक वाइल ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर इंसेक्टिवोरस। चलिए अब लाइकेंस के बारे में आ जाते हैं हम। प्राइम्स हमने पढ़ लिया के साथ फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। चलिए उसके बाद एक ये एजोटोडेस्मिक लाइकन देख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, बस नाम पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिक्स हैं। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज में वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लेबोरेटरी। एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम, जिसको हम गिलफंगाई बोलते हैं। और एस्पेरेगस इज अ प्लांट इन विच रूट नॉट इज प्रेजेंट। ये पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, याद रखने के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद माइकोराइजा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये मैंने मॉर्फोलॉजी में कवर करूँगा अच्छे से। दिस एसोसिएशन नॉट मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बट इज फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ NPS एक्टो और एंडो। ये जो VAM है डेट इज वेसिकुलर आर पस्क्यूलर माइकोराइजा, ये आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, या इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैंने आपको एक अच्छे से प्रोवाइड करा दिया ये एक जगह। अब ये लाइकेंस देख लीजिए, जो लाइकेन होता है फंगस और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी के बीच का म्यूचुअलिज्म। तो फंगस कंपोनेंट को बोलते हैं माइक्रोबायोंट, और जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोंट होते हैं। फंगस क्या करता है, सॉइल से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है, और एल्गे फूड बनाती है उन न्यूट्रिशन को मदद लेके। ये भी आप देख लीजिए, राइजोफोरा मार्शी प्लांट है, राइजोफोरा इंसोनेरेशिया वीविपेरिटी सीड जर्मिनेशन में देख लीजिए। राइजोफोर टेरिडोफाइट है, राइजोमॉर्फ आउटग्रोथ ऑफ सेकेंडरी माइसोमाइसीलियम में पिसिडियोमाइसिटिस। चलिए तो आई होप कि आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ द लास्ट चैप्टर इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। अगर आपको पसंद आता है, पहली बात तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ फॉर नीट 2020 के लिए। अच्छा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।